मुझे माफ करना बेटी, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे बेटे की खुशी के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। मुझ पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। माँ साहब सच में शादी नहीं करवाएंगी? आपको हमारी कितनी फिक्र है माँ साहब, और एक हम है कि आपको हम सच्चाई बता ही नहीं पा रहे। माफ कीजिएगा हमें, लेकिन बस दो दिनों की ही बात है, सत्तू जी ने हमसे कहा है कि आपके जन्मदिन के मौके पर आपको हम सारी सच्चाई बता देंगे। कैसी शर्त रचना देवी, बाजी लगाने का तो बहुत शौक है ये मैं जानता हूँ, लेकिन शादी ब्याह दिल लगाने वाली बात होती है, बाजी नहीं। अरे तुम सब तो मुझे गलत समझ बैठे। बाजी नहीं, एक छोटा सा इम्तिहान देना पड़ेगा रूप को। ये दिखाना होगा कि इसे घर के कामकाज आते हैं। अब भाई सास होने के नाते अपनी बहू की इतनी परीक्षा तो मैं ले ही सकती हूँ, है ना? हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रूप दिखा देगी कि वो घर के कामकाज में भी बहुत निपुण है। तो फिर ठीक है, रूप को घर के ये सारे कामकाज करने होंगे। झाड़ू लगाना होगा, बर्तन धोने होंगे, घर का पोछा लगाना होगा, और फिर सबके लिए खाना बनाना होगा। और हाँ, मेरे सत्तू बेटे को खीर और गाजर के हलवे बहुत पसंद है, वो जरूर बनाना। और फिर किराने के दुकान में जाके महीने भर का सामान लाना होगा, फिर कपड़े धोना, और हाँ हाँ, और वो घर के पर्दे फट गए जरा सिल देना, हाँ। और ये सब काम रूप को आज के आज ही करना होगा, और ये सारे काम मेरी बेटी की निगरानी में होगा। देखिएगा आप, दिखा दीजिए रूप जी, यही मौका है, यही मौका है इनको बताने का कि आप सब कुछ कर सकती हैं। सबको पता भी तो चलना चाहिए कि चिराग लेके ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी, बता दीजिए इन्हें। हाँ ऑफ कोर्स, अगर सत्तू जी को मुझ पर इतना यकीन है, इतना विश्वास है, तो मैं ये सब काम जरूर करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं जीत गई तो मैं भी सत्तू जी का एक टेस्ट लूंगी, और अगर वो पास हो गए तो फिर मैं उसके बाद डिसाइड करूंगी कि मुझे एंगेजमेंट करनी है या नहीं। तो बोलिए, है मंजूर? मंजूर है। अरे रूप जी, आप इस वक्त झाड़ू पोछा मत कीजिए, आप खाना बनाइए, उसमें टाइम लगेगा। You're right. वैसे भी ये सर्वेंट वाले काम मैं नहीं कर सकती। ये दाल तो जल गई और ये चावल का तो खिचड़ी बन गया।
कर दो बढ़ता बनकर। आप रो क्यों नहीं? सब ठीक तो है? आंसू पोछी अपने। ये उंगली जल कैसे गई? एक मिनट रुकिए, हम दवा लगा। नमक 10-10 किलो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आपसे मतलब ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। मैं बात करूं? हाँ, किराने वाले भैया। हाँ, 1 किलो नमक, 1/2 किलो मिर्च और 5 किलो अरहर की दाल। आप तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान है। आप ना होते तो हमारा क्या होता? Thank you. जाइए, मतलब थोड़ी सफाई कर लीजिए। आप जानते हैं, पिछले जन्म में हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो आप हमें मिले। हम सफाई करते परी। क्या कह रहा है? खाना अच्छा बना है? जरा मैं भी तो चखूं। खाना सच में अच्छा बना है तो मार्क्स भी पूरे देने पड़ेंगे। पर्दे देखो, पर्दे भी अच्छे से सीए, फिर किराने के दुकान से सामान भी सही सही लाए हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता महीने में मैं कितना सामान लाती हूँ? माँ साहब, अब मैं इस घर का हिस्सा बनने जा रही हूँ, इतना तो जानना ही पड़ेगा ना मुझे, है ना? हमारे हिसाब से रूप सभी कामों में अव्वल आई है। हो गई तसल्ली? नहीं हो गई हो तसल्ली? आपने अपनी जिद पूरी कर ली हो तो हम भी अपनी जिद पूरी कर लें। हाँ, वक्त जाया मत करो। अरे बेटा, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, जल्दी करो। क्या कर रहे हैं आप? सत्तू जी, अब हमारा हाथ छोड़िए। हम कहते हैं हमारा हाथ छोड़िए, अब क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गया, बावला हो गया तू? अंगूठी पहनानी ही है तो जा खरीद के ला। रहने दीजिए ना मां साहब, जब ये रिश्ता ही हमारा नहीं बचाए, ये हमारे नहीं रहे तो इस अंगूठी का क्या करेंगे अब हम? रूप जी प्लीज, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमारा रिश्ता ठुकरा कर हमारी तौहीन मत कीजिए। आपको एक और चांस देते हैं, हम आपका एक टेस्ट फिर से लेंगे। आपको डांस करना होगा, वेस्टर्न डांस, वो भी मेरे साथ कंपटीशन में। वो कंपटीशन जीत गए तो शादी पक्की।